तुम्हारा, उपराष्ट्रपति तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम खुद ही हो, कड़ी निंदा करने वाला गृह मंत्री तुम्हारा, और तुमको औकात नहीं है कि तुम चार्जशीट हमारे खिलाफ फाइल कर दो। बकवास करते हो, बकवास करना बंद करो, और हमारे सवालों का जवाब देना शुरू करो। और हमको तुमसे देश की परिभाषा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ आए थे मोदी जी, भाषण देकर के गए हैं, और मोदी जी को देख करके मुझे मथुरा प्रसाद नवीन की याद आती है, जुनूनी बढ़लो तहू बन जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तड़प के मरवा का है, मरने हो तो लड़के मर जा। दोस्तों, ये बड़े शर्म की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस ताल की भूमि पे वो जुमलेबाजी करके गए हैं, उसी ताल क्षेत्र के लोग, ताल क्षेत्र शुरू होता है हथुआ से लेकर के मनकट्ठा तक, लगभग 1,00,000 हेक्टेयर जमीन है ताल क्षेत्र का, और ताल क्षेत्र के अंदर जो किसान है वो किसी एक जाति के किसान नहीं है। ये भी जाकर के पता कर लीजिएगा, ये सिर्फ जो है परशुराम की भूमि नहीं है। मोदी जी बोल करके गए कि परशुराम की भूमि है, अगर परशुराम की भूमि है मोदी जी, जिस दिन तक आप नाम लिए हैं उसी दिन तक में परशुराम की प्रतीक्षा में एक बात लिखी है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। इस देश के अंदर जो सवाल है उन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस ताल के किसान मर रहे हैं उनकी शमशान पे खड़ा होकर के आप ताली बजवा रहे हैं और आप भाषण दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जो किसान खेती करने वाले हैं, ये जो पूरा का पूरा परिवार है, लाखों परिवार जो उसके आश्रित हैं, उनके जीवन का आज तक क्या हुआ है। कहे कि नीतीश जी का फेवरेट इलाका है, बहुत बढ़िया है, नीतीश जी का फेवरेट इलाका है, तो नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या नीतीश जी ये सवाल मोदी जी से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, कि मोदी जी आए, फोटो खिंचवाए, भाषण दिए और ताली बजवा करके चल दिए, और पंडाल लगाने में कुछ लोग दलाली करके जो है 1,00,000 कमा लिया है। होता है ताल में, एक फसल से यदि दो फसल भी कर दिया जाए तो इस देश के किसानों की हालत खराब नहीं होगी। ताल क्षेत्र के अंदर जो किसान खेती करने वाले हैं उनकी हालत नहीं खराब होती। इतने दिन से ताल परियोजना की चर्चा हो रही है, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसके उसका उपज जो है वो बढ़ता है, लेकिन समय पर यदि पानी नहीं निकलेगा और पानिया निकलते हैं तो मसूरिया लगते किसी पानी, अगर पानी नहीं निकलेगा तो मसूरी कैसे लगेगा, चना कैसे लगेगा, वहां पे खेती कैसे होगी। और जब लोग देखे कि ताल एक फसला है, ताल में खेती नहीं होती है, एक फसला में भी सिर्फ दलहन की खेती होती है, और दलहन की यदि हम बात करें तो आप मालूम कर लीजिएगा कि जो हमारा प्रधानमंत्री हमेशा फ्लाइट मोड में रहता है, ये सिर्फ घूमता नहीं है, देश बेचता है, देश बेचता है, मैं ये आपको कह रहा हूँ। यहाँ ताल के किसान जो कई वर्षों से यहाँ दाल की खेती कर रहे हैं, उनके लिए ताल योजना नहीं है, अफ्रीका में जाकर के किसानों को सब्सिडी दे रहा है, अफ्रीका के किसानों को, कि आप मोजाम्बिक में कि आप दाल लगाइए और आपसे हम भारत के लिए दाल खरीदेंगे, बाहर गुना करने दलाली खाएंगे। अपने देश के ताल क्षेत्र के किसानों को दलहन की खेती करने के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा। अरे दुगो चारगो बढ़िया सुलिस गेट बनाते उसमें पैसा। दिनकर जी अंधश्रद्धा के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे, और तुम दिनकर जी की कविता पढ़ रहे हो तो तुमको देश से माफी मांगना चाहिए कि तुम बोले हो कि गणेश का प्लास्टिक सर्जरी हुआ है। ये अंधविश्वास है कि नहीं है, हमको ये कविता दीजिए। जब आप कह रहे हैं कि गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं और देश के वैज्ञानिक बैठ करके यहाँ गर्दन हिला रहे हैं, सूर हिला रहे हैं हाथी की तरह, इस पे लोगों को सवाल खड़ा करना चाहिए, नहीं खड़ा करना चाहिए कि प्रधानमंत्री स्वयं अंधविश्वास का कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और श्री कृष्ण बाबू का नाम लेकर के कह रहे हैं कि मकामा को जो है मिनी कलकत्ता कहा जाता था। हाँ, आजकल तो जो कहावत मशहूर है, मोदी जी को कोई बताया नहीं, बसनमा में कोई लिख के नहीं दिया, आजकल एक और बात कही जाती है, ऊपर से फिट फाट नीचे से मकामा घाट, यो समझा देते हैं। क्यों ये बात कही गई है, ये कहावत क्यों मशहूर हुआ है? ये कहावत इसलिए मशहूर हुआ कि पहले जहाज घाट बंद हुआ, गढ़हरा यार्ड बंद होने से जहाज घाट बंद हुआ, जहाज घाट बंद होने के बाद एक एक करके यहाँ की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। माल्या पैसा लेकर के भाग गया लंदन, उसके लिए जो है कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा है, ताल क्षेत्र के किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो ताल मैकडबल बंद हुआ, बाटा बंद हुआ, भारत बैगन फैक्ट्री बंद हुआ, सूता मिल बंद हो गया, मोकामा घाट पहले ही बंद हो गया था, आज इस क्षेत्र में एक भी फैक्ट्री नहीं बची हुई, एक भी उद्योग नहीं है।
और कह रहे हैं कि श्री कृष्ण बाबू की धरती है, मिनी कलकत्ता कहा जाता था, यहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे थे। अरे तो बहुत सारे उद्योग धंधे थे तो कौन बंद कर दिया ये सारा उद्योग धंधा? भारत बोर्डिंग फैक्ट्री को कौन बंद किया है? ये सवाल इनसे पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे। मोदी जी, आप दान की वो जमीन किसानों के कलेजे को लाम करके, धन की नुमाइश करके जो आपने लोहे का पंडाल बनाया है, कसम उस लोहे की पंडाल की, जब तक ताल क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे और उसके सामने आपको झुकाएंगे नहीं, तब तक इस मैदान में भाषण देने का कोई मौका नहीं। इसीलिए हमने आपको कहा कि आपने कहा ये परशुराम की धरती है, देंदर ने परशुराम की प्रतीक्षा में लिखा है, वही बात बोलकर इनकी बात को खत्म करूंगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अब रण होगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।